नमस्कार व्यूवर्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं टिहरी। देखिए, टिहरी जो है, जैसा कि आप जानते हैं, आपका फेमस है वहाँ की टिहरी झील के लिए और आपका जो टिहरी डैम है उसके लिए। टिहरी डैम जो है आपका इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है और वर्ल्ड का भी वन ऑफ द हाईएस्ट डैम में आता है। तो टिहरी में क्या है कि काफ़ी सारी आपकी एडवेंचरस, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो कराई जाती हैं। तो ये सभी हम वहाँ पर देखेंगे जाके क्या क्या अभी ओपन है और क्या क्या अवेलेबल है। तो देखिए, मैं पहले आपको रूट बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए, अगर आप देहरादून, मतलब देहरादून के बाहर से आ रहे हैं, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो देहरादून को एज अ सेंटर पॉइंट लीजिए। वहाँ से आपके दो रास्ते हैं। तो आप एक रास्ता जो है, आप चाहे तो ऋषिकेश वाले से आ सकते हैं, जो आपको अराउंड 110-115 किलोमीटर्स पड़ता है ऋषिकेश से आपका नरेंद्रगढ़ होते हुए चंबा वाला रास्ता, वहाँ से भी आप टिहरी जा सकते हैं। या तो आप ये वाला रूट ले सकते हैं जो आपका ये मसूरी रूट है। तो यहाँ से आपको जो रास्ता पड़ता है ऑलमोस्ट 104 किलोमीटर्स का है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा रूट समझा देता हूँ। आप देखिए, नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये है मसूरी रोड, ये आपकी मसूरी के लिए रोड जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक रास्ता कटता है धनौल्टी के लिए। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरे पीछे अगर आप सीधे चले जाएंगे तो मसूरी, और यहाँ पर देखेंगे तो धनौल्टी, टिहरी, उत्तरकाशी। तो ये वाला रूट आपको लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका जो धनौल्टी है अराउंड 27 किलोमीटर्स है, और टिहरी तक आपका रास्ता अराउंड 75-80 किलोमीटर्स रहेगा, ठीक है। तो हम यही वाले रूट में आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या ओपन है वहाँ पर, और बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए इस जर्नी को। ये है आपकी धनौल्टी रोड, और ये सीधा आपको धनौल्टी के लिए लेके जाती है, और इसी रोड पे हम आगे जाएंगे। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इस तरह के जब आपके रास्ते रहते हैं तो आपको व्यू पॉइंट मिल जाता है। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, और मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ किस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको मिल जाता है। हम भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, तो यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, वहाँ पर आप बैठ के चाहे तो आप यहाँ पर भी अपना खाना मंगा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह पीते हुए एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। आप यहाँ पर रुकिए, फोटोग्राफी कीजिए, इट्स अ लवली व्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रुके थे थोड़ा व्यू देखने के लिए। तो आप अगर सामने की तरफ अगर देखेंगे, जो आप वो पहाड़ देख रहे हैं, तो वो आपका हिमालय पर्वत है। तो यहाँ से काफ़ी दूर है ये पहाड़, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखता है, इस तरह का व्यू है। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, गाड़ी रोक के, और एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार फिर देखिए, और ये धनौल्टी के पास ही है एकदम, क्योंकि धनौल्टी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो उसके पास ही आपको व्यू मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू मिल जाते हैं आपको, आप कहीं पर भी रुक के एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम धनौल्टी पहुँच गए हैं, और हम धनौल्टी से होकर ही आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं, और धनौल्टी वन ऑफ दी बेस्ट हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। यहाँ पर गर्मियों में भी काफ़ी पर्यटक आते हैं, और सर्दियों में जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है, जब बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ का जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। तो आप भी यहाँ पर आएं और अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे चंबा की ओर। धनौल्टी से 15-20 किलोमीटर अगर आप आगे आते हैं तो आपको एक और हिल स्टेशन मिलता है जिसका नाम है कनातल, और यहाँ से आप वो अगेन जो हिमालयन रेंज है वो दिखाई देती है। देखिए, कनातल हाल फिलहाल में ही काफ़ी फेमस हुआ है, यू नो इट्स वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन एज ऑफ नाउ। और अगर आप कनातल आते हैं तो यहाँ भी काफ़ी सारे सीनिक व्यू हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं।
हम अब चंबा पहुंच गए हैं। अगर आप राइट की तरफ देखें तो वो रास्ता ऋषिकेश नरेंद्र नगर की तरफ को जाता है। वहीं अगर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो ये रास्ता आपको न्यू टिहरी लेके जाएगा। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें बोटिंग एरिया पे जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम टिहरी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो है, आप देख सकते हैं झील दिखना स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सोचा कि थोड़ा रुक के थोड़ा एंजॉय करें व्यू को। और यहाँ से जो मेन टिहरी झील जहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है वो ऑलमोस्ट जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर होगा। तो थोड़ा हम यहाँ पर रुके थे कि जो अभी व्यू है वो एंजॉय कर सकें। आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इस तरफ से देखें तो ये झील आप देखेंगे, पूरा पानी आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर आपका वो एंड तक अगर आप देख रहे होंगे, वो तो दूसरे पार दिख रहे हैं, वहाँ तक पूरा पानी फैला हुआ है। तो हम आगे आपको दिखाएंगे, तो जस्ट आप भी व्यू को एंजॉय करिए हमारे साथ। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टिहरी लेक। फ्रेंड्स, यहीं से ही आपकी बोटिंग और सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। देखिए, पार्किंग की यहाँ पर बहुत स्पेस है, तो आपको कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। देयर इज़ एम्पल स्पेस फॉर द पार्किंग। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका यहाँ पर बगल में ही वॉशरूम भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इट्स अ गुड फैसिलिटी। फ्रेंड्स, इस समय हम हैं टिहरी झील में। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ का व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। सो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा ये झील कैसे बनी है। जो आपकी भागीरथी नदी है और भिलांगना नदी है, उसका पानी रोक कर ये झील को बनाया गया है। सो आगे है, थोड़ा सा आगे आपका टिहरी डैम पड़ता है, जो वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट डैम है और इंडिया का हाईएस्ट डैम है वो, ठीक है। तो उस डैम में इस पानी को रोका गया, ठीक है, और उसके बाद इस झील का निर्माण हुआ। तो अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसकी काफ़ी गहराई है इस झील की, और नीचे जो पुराना टिहरी शहर था, ओल्ड टिहरी जिसे कहा जाता है, वो अभी भी आप देख सकते हैं। अगर मतलब जब पानी कम होता है तो नीचे वो घर आपको दिखाई देते हैं, और आपका काफ़ी जैसे घंटाघर है पुराना, वहाँ पर वो सब दिखाई देता है, ठीक है। तो काफ़ी हाइट में है, तो उसके बाद नया टिहरी ऊपर बसाया गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है और काफ़ी बड़ी झील है ये, तो हमारे साथ इस व्यू को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा जो बोटिंग के रेट्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए, ईच पर्सन जिस बोट में अभी हम हैं तो आपको 300 रुपये ईच पर्सन लगेगा। इसमें आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, जो आप वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके और जो आप ये एंड देख रहे होंगे यहाँ तक, आपको उसमें पूरा मतलब जाना और आना दोनों आपको कवर होगा, जिसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप जेट स्कीइंग करते हैं, अगर मतलब आपको असिस्टेंट चाहिए, तो उसमें आपके चार्जेस रहेंगे 250 रुपीज़, तो वो आधा चक्कर ही रहेगा। और अगर आप अलोन अगर खुद करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ रहेगा फॉर दी हाफ, और 1000 रुपीज़ फॉर वहाँ से लेके और एंड तक के, ठीक है। तो फिर भी हमारे साथ एक भैया हैं, मैं फिर भी आपके बात करा देता हूँ क्या क्या चार्जेस रहते हैं। नमस्कार भैया, वेलकम टू नेटी पहाड़ी। हाँ जी, दीपक कुमार है मेरा नाम। अच्छा। मैं यहीं से हूँ, मैं बोटिंग पॉइंट में काम करता हूँ।
यहाँ पे आप जो टिहरी झील में है यहाँ पे लगभग इसके नीचे 256 गांव थे। अच्छा। हाँ जी, इसमें इनको विस्थापित किया गया, इन्हें शिफ्ट किया गया, आपका ये लगा लो नीचे ऋषिकेश हो गया, राय वाला, बंजारा वाला, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ से शिफ्ट किया गया था। ये ओल्ड टिहरी था, इसके नीचे राजा का महल था, क्लॉक टावर था। अभी पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसकी गहराई वैसे 830 के करीब है लगभग, इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। अच्छा, 45 किलोमीटर, मतलब बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तो मतलब अभी उसके बाद मेरे ख्याल से पूरा जो सारा जो नया शहर जो बसा है वो न्यू टिहरी ऊपर ही बसा है। बसा हुआ है, हाँ जी। अच्छा, और भैया एक बार जस्ट मतलब थोड़ा आप बता दीजिए, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर जब सीज़न होता है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और क्या क्या चार्जेस होते हैं? यहाँ पे 6-7 एक्टिविटी कराई जाती है, आपका जैसा मोटर बोट है, स्पीड बोट है, जेट स्की है, जेट अटैक है, सर्फिंग है, बनाना राइड है, यहाँ पे ये चीज़ें कराई जाती है। सबके अलग अलग रेट होते हैं। आपका जैसा ये नॉर्मल बोट है, मोटर बोट होती है, उसका 300 पर पर्सन के हिसाब से होता है, उसके आधे घंटे की राइड होती है। टाइमिंग में आप बात कर सकते हो, जरा टाइमिंग एक घंटा करोगे उसका 500 ईच होगा उसका लगभग। आप एक स्पीड बोट भी होती है, स्पीड बोट में क्या होता है उसका 15 मिनट की राइड होती है, उसमें 500 पर पर्सन होता है। और आपका एक स्कीइंग होता है, सर्फिंग होता है, जैसे हम बोट के पीछे टो करके उसमें वो कराते हैं, तो उसका 700 होता है। और आपका एक बनाना राइडर है जिसे लगभग ज़्यादातर लोग गर्मियों में ही करते हैं, वो उसका 500 ईच होता है। वो उसमें काफ़ी मज़ा भी आता है लोगों को, क्योंकि वो बोट के पीछे टो होता है, फ्लोटर टाइप का होता है, बोट के पीछे टो होता है, स्पिन में ले जाके उसे टर्न करके पानी में गिरा देते हैं, वो इंजॉय के लिए होता है, सबसे बेस्ट राइड है। और एक दूसरी तीसरी राइड भी है, बम्पर राइड। बम्पर राइड में क्या होता है, उसमें दो दो करके जाते हैं, उसका 500 पर पर्सन होता है, वो लगभग 5-10 मिनट की राइड होती है वो। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं सीजन में, और मेरे ख्याल से बेस्ट सीजन जो रहता है वो मई जून के में ही रहता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमसे बात करने के लिए। फ्रेंड्स, नीचे आप जो डैम देख रहे हैं इसे ही टिहरी डैम बोला जाता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, एंड इट इज़ काउंटेड अमंग 5 हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, जो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसका जो आर्किटेक्चर है एक यूनिक आर्किटेक्चर है, इट इज़ अ रॉक एंड अर्थ फिल्ड डैम। अब जो भागीरथी और वीरांगना रिवर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका पानी रोक के इस डैम को बनाया गया है। इसीलिए ही आपकी जो टिहरी लेक जो बनती है, इसको मैनमेड लेक कहा जाता है, जो एशिया की सबसे बड़ी लेक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर से ही आप फोटोग्राफी करें, क्योंकि नीचे आके अलाउड नहीं है। अब देखिए, जो ये रोड है ये आपकी चले जाती है न्यू टिहरी के लिए। तो आज का हमारा नाइट स्टे न्यू टिहरी में रहेगा। तो हमने झील में नीचे बोटिंग करी और थोड़ा टाइम स्पेंड करा, और अब हम न्यू टिहरी की ओर बढ़ेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू। कुछ इस तरह से व्यू है, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, झील से आने के बाद टाइम स्पेंड कीजिए, काफी अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये है न्यू टिहरी में हमारा रूम। इसमें देखिए आपको सोफा सेट मिला है, वॉशरूम, एक आपका डबल बेड ये है, और आपको एक डबल बेड ये मिला है। क्योंकि हम चार लोग हैं तो हमने ये रूम अपने लिए बुक कराया है। हमें इसमें टीवी भी मिलेगा, और मैं इस रूम का एक बार आपको टैरिफ बता देता हूँ। तो उसका टैरिफ हमें पड़ा है 3000 रुपीज़ फॉर 4 पीपल। और ये देखिए, ये इसकी बालकनी है, और कुछ इस तरह का व्यू रहेगा बालकनी से। सो आई थिंक इट्स वर्थ पेइंग
3,000 rupees फॉर 4 पीपल। तो फ्रेंड्स इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अभी हम अपनी बालकनी में हैं। तो मैंने जैसे कल बताया था आपको, हमने न्यू टिहरी में रूम लिया था और इस होटल का नाम है आपका होटल गौरव। तो न्यू टिहरी में आपको और भी सारे रूम मिल जाते हैं, तो आप कभी भी जैसे टिहरी आएँ, अगर आप न्यू टिहरी में रहना चाहें तो किसी भी होटल में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लेक साइड में अगर आप रहना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके बहुत सारे होटल्स हैं, क्योंकि अभी वो सारे लेक साइड व्यू वाले होटल सारे बंद थे, तो वहाँ पर तो अभी हमें रूम नहीं मिल पाया। जैसे फॉर रेफरेंस के मैं आपको बताऊँ, गढ़वान मंडल का वहाँ एक बहुत अच्छा होटल है जहाँ पर आप रह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी बंद है तो इसलिए हम वहाँ पर रूम नहीं ले पाए, लेकिन जब भी खुलेगा तो आप वहाँ पर भी रूम का ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का व्यू है अभी हमारी बालकनी से, और आई होप कि आपको हमारी टिहरी की ये जर्नी पसंद आई होगी, और हम ऐसे ही आगे भी आपको और भी यू नो लोकेशंस पे लेके जाएंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल लेडी पहाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।